आप देख रहे हैं हैमरमिल पल्वराइजर मशीन, और इसको दूसरा नाम दिया जाता है इम्पैक्ट पल्वराइजर। ये मशीन को आप ज्यादातर मसाले के अंदर यानी टर्मरिक में यूज करते हैं, जिसके अंदर सिंगल टाइम में एक ही बार में 90% टर्मरिक एकदम बारीक पाउडर देते हैं, ठीक है। उसी के साथ में ये मशीन को फार्मास्यूटिकल मतलब फार्मा इंडस्ट्री में यूज होता है, जहाँ पे ग्रेन्यूल्स बड़े बड़े रहते हैं, उसको फिर पूरा स्टेनलेस स्टील के अंदर SS304 में बना के हम लोग डिजाइन करते हैं। सेम एग्रीकल्चर फार्मा और फूड इंडस्ट्री में हर जगह पे इसका मल्टीपर्पज यूज है। दूसरी तरफ माइनिंग में भी इसको यूज होता है, अगर कार्बोन है, लाइमस्टोन है, ऐसा कोई केमिकल प्रोडक्ट है जिसके अंदर केमिकल पाउडर को भी ग्राइंड करना हो और एकदम बारीक करना हो, तो इसके अंदर आप अप टू 300 मेट तक बना सकते हैं, उसको छान के अलग आपके प्रोडक्ट और से ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। चलिए मशीन को अंदर से पूरी तरह समझते हैं। ये जो मशीन अभी देख रहे हैं, ये 7.5 HP की मोटर लगी है इसके अंदर, जो क्रॉम्पटन ग्रेवियस की 3 फेज की मोटर है। उसी के साथ में हमने यहाँ पे बेल्ट कनेक्शन दिया है, ये हैवी ड्यूटी बेयरिंग दोनों साइड लगी है, और ये मशीन का हमने चैम्बर पूरा ऊपर से ओपन करके एक पार्ट दिखाया है कि आप देख सकते हैं कि ये हैमर जो लगी है एकदम हैवी थिकनेस वाली लगी है, जिससे ये हल्दी हो या कोई भी चीज बड़ी वाली हो तो इसको ये ग्राइंड कर सके, ठीक है, उसको तोड़ के खत्म कर सके। दूसरी चीज इसमें देखते हैं, पूरा जो मशीन है वो कास्टिंग बॉडी में बनाया गया है, जिससे क्या होती है कि ये मशीन वाइब्रेशन नहीं करता, दूसरी चीज आवाज भी बहुत ही कम करता है, तीसरी चीज इसके अंदर लाइनर हमने बोल्टिंग करके ही लगाया है, तो लाइनर भी आपको अलग से इसमें रिप्लेस कर सकते हैं। एक चीज है इसको मशीन में हम आपको फाइननेस कैसे सेट करनी है तो आप समझ लीजिए कि ये जो ब्लेड है, ये जो 4 पंख वाली ब्लेड है, वो 2 पार्ट्स में बनी है, 2 पार्ट्स को हमने यहाँ पे अटैच किया है और उसको बोल्टिंग करके टाइट करके ज्वाइंट किया। अगर हम ये दोनों चारों बोल्ट को डिले कर देंगे तो ब्लेड आगे पीछे होगी, तो आप ध्यान रखें कि आपको जितना फाइननेस पार्टिकल चाहिए उतना ये कास्टिंग यानी केसिंग जो है वो और ये ब्लेड दोनों के बीच में कम डिस्टेंस रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कम डिस्टेंस रखा तो यहाँ पे आपको फाइन पाउडर आएगा, अगर आपको बड़ा वाला दाने चाहिए तो ये ब्लेड को आप थोड़ा इस साइड खिसका लीजिए, जिससे क्या होगा यहाँ पे गैप बन जाएगी और उससे आपका मटेरियल है वो थोड़ा मोटा आएगा, और यहाँ पे फैन लगा है, वो फैन क्या करता है कि मटेरियल को खींच के आगे साइड रन और नीचे की साइड मटेरियल कनेक्ट होगा, ऊपर की साइड अपना हवा है वो निकल जाएगी। ये मशीन 7.5 HP से लेके 7.5, 10, 15, 20, 30, 40 HP और उससे भी बड़ी चाहिए तो हम कस्टमाइज डिजाइन करके आपको प्रोवाइड कर सकते हैं।